नमस्कार भारत। आज का विषय क्या है? आज का विषय मेरा स्वयं का है। मैं जिस तरीके से जीवन में आगे बढ़ रही हूँ या मेरा परिवार समृद्ध हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे जिंदगी में अक्टूबर 22 में आया था और उसने जिस तरीके का चमत्कार दिखाया है, एक साल में जो ग्रोथ हुई है 10x की, वो मुझे पता है और आप लोग भी देख रहे होंगे मेरे वीडियोज के थ्रू कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी। कहाँ एक साधारण से कमरे में बंद रहने वाली लेडीज थी या महिला थी, और आज कहाँ पे मुझे वो सब चीज़ें मिल रही हैं जिसकी मैं हकदार थी, ये कहूँगी। क्योंकि अब मुझे मालूम है कि मेरी वैल्यू क्या है और मेरी एनर्जी किस लेवल की है, ये भी मुझे पता है। क्योंकि विदाउट एनर्जी हाई लेवल, अगर आपकी एनर्जी हाई नहीं है तो ये सब चीज़ें वैसे भी जीवन में आ नहीं सकती हैं। तो उसके लिए मुझे जो जो करना था, मैंने वेबिनार्स लिए, किताबें पढ़ी, बहुत कुछ सीखा और अप्लाई किया। उसका नतीजा है कि मेरे जीवन में लगातार तरक्की हो रही है। और वो क्या होता है कि आपका ब्रेन मान रहा है कि नहीं मान रहा है। मेरा ब्रेन उस चीज़ को मानता है कि आप जो सोच रहे हैं वो होगा और वो हो रहा है, वो दिख रहा है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में जो 25 साल की ग्रोथ होती है वो 1-2 साल में भी ला सकता है। दूसरा होता है कर्मास का नियम। कर्मा भी एक समय लेता है, जैसे कहते हैं ना, कर्मा करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। राइट समय पे राइट चीज़ें आती हैं। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो लेकिन अगर आपके जीवन में अभी परिवर्तन नहीं दिख रहा, तो बिलीव नहीं हटाना है। जितना ही पक्का मजबूत बिलीव रखोगे, खुश रहोगे, उसको ग्रेटिट्यूड, आभार दोगे हर चीज़ के लिए, आपके जीवन में भी वो चीज़ आ जाएगी राइट टाइम पे। यानी कि हमको पेशेंस नहीं खोना। और मैंने भी 12-13 साल जब प्रैक्टिस तैयारी की तो कोई पेशेंस नहीं खोया था। हमेशा ये बात दिमाग में रहती थी गीता की कि कर्म करना मेरा काम है, फल की इच्छा तो नहीं करनी चाहिए, वो ईश्वर का काम है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने वो तैयार किया 12 साल की जर्नी, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विद्यालय या बच्चे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देश के लिए तैयार करने। और देखो, ईश्वर उसी तरह आपको तैयार करता है, वो एक्सपीरियंस दिलाता है। और सबसे बड़ी बात, शायद सिंपली स्कूल खुलता तो कभी भी मैं नहीं जान पाती कि अभी मुझे प्रयोग कौन सा करना है, इन बच्चों को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाना है, उनका बेस्ट वर्जन कैसे बनाना है। अब ये अलग बात है कि जो भी पेरेंट्स आता है वो सिर्फ किताबी ज्ञान पे ही बात करता है। देखिए, जो सामान्य शिक्षा है वो यही बात कहती है कि बस बहुत ज़्यादा पढ़ाई में रटन तू विद्या में, या रट कर या पढ़ कर या सिर्फ पढ़ने में अच्छा हो जाए बच्चा, वही सब कुछ है। जबकि मुझे तो अब राज पता है कि उसके अतिरिक्त बहुत कुछ है, पढ़ाई से भी ज़्यादा इतर कौन सी चीज़ें करनी है। बहरहाल, पेरेंट्स को तो आश्वासन देना ही है, क्योंकि उनके समझ में आने वाली बातें नहीं है एकदम से कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के ही सब कुछ हो सकता है, या सेल्फ हेल्प बुक्स और उसका बेस्ट वर्जन बच्चे का कौन किसके लिए है। क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर सोल की जर्नी अलग है, हर व्यक्ति अलग काम के लिए आया है। तो कैसे बच्चों को हम उनका बेस्ट वर्जन बना सकें, शायद इसीलिए मेरी ये यात्रा ज़रूरी थी। यूनिवर्स ने मुझे ये वीडियो दिया, मैंने उसको सीखा और सारे रास्ते बनते गए। आपको बोलने का अवसर मिला, आप, क्योंकि ये मेरी चाह शुरू से थी, बोलना, बात करना, कहना, यानी कि अपने को प्रेजेंट करना। लेकिन वो मौका उस रूप में तो नहीं मिला जो मैं जोश टॉक के थ्रू सोचती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूंकि स्कूल का प्रोग्राम था, वही मेरा घर है, वही स्कूल 16 साल से चल रहा है, कभी नहीं बोलने का अवसर आया, वहाँ पर बोलने की जर्नी शुरू हुई। और इसके साथ ही मेरे वेबिनार्स की जर्नी शुरू रही, किताबों को पढ़ने की जर्नी शुरू हुई, और मैंने बहुत कुछ किया है। मेरा माइंडसेट एकदम चेंज हो चुका है। माइंडसेट का गेम इतना बड़ा है, ब्रेन इतनी बड़ी पावर है आपके पास, आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आप समझिए, सारे लोगों में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो ऐसा कर सकता है, और आप 25 साल की सफलता को एक साल में पा सकते हैं। ये मैं खुद देख रही हूँ और आपने भी मेरे पीछे वीडियोस देखे होंगे, मैं लगातार शॉर्ट्स के रूप में जो शेयर करती रहती हूँ। जैसे कि अभी स्कूल का ही उदाहरण दूँ, ये पिछले साल 2023 में फेब में शुरू हुआ था, कोई कॉन्ट्रास्ट आया था, बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। शायद कॉन्ट्रास्ट आता ही इसीलिए है कि यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी चीज़ देना चाहता है, लेकिन वो पता नहीं था। फिर भी उसमें धैर्य रखना ज़रूरी होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई विरोध, कोई परेशानी, कोई ऐसी स्थिति बनती है, उसे आप चैलेंज की तरह लीजिए, और फिर वो चैलेंज आपको वहाँ ले जाता है जहाँ आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी ये जब हुआ तो उसके बाद, ये 14 साल पहले ही ज़मीन लेके डाली हुई थी। स्कूल बनाने की बात हमेशा कहते थे मेरे हस्बैंड कि तुम जॉब करने के लिए बात कहती हो, जॉब देने वाली बनो। और अंजना मैम भी यही कहती हैं कि जॉब देने वाले बनिए, जॉब मांगने वाले नहीं। हमारे PM भी कहते हैं, आपने सुना होगा शायद उसका, मैं तो बहुत विरोध करती थी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहती इसलिए ऐसी बातें करती है, लेकिन यहाँ स्थिति पलट है। आप किसी भी बड़े मिलेनियर, ट्रिलेनियर, बिलेनियर को देखिए, वो सब जॉब नहीं करते हैं, जॉब देते हैं।
मतलब ये है कि आपको यदि, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि जॉब मांगना खराब चीज़, बिल्कुल भी नहीं, जॉब बहुत अच्छी चीज़ है, और लेकिन जॉब ही सब कुछ नहीं है। हमारे उत्तर भारत में स्पेशली जो मैंने महसूस किया, देखा, मैंने खुद भी देखा, लगता था अगर जॉब नहीं मिलेगी तो सारा जीवन ही ख़त्म है। इसी को तो बिलीव को बदलना है कि उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास रखी हुई है। और बहुत लोग तो जॉब छोड़ करके भी अपनी मनपसंद चीज़ को करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप सक्सेसफुल उसी में होते हैं जो आप अपनी पसंद चीज कहते हैं। तो ईश्वर ने मुझे तैयार किया बोलने के लिए पहले ही कि आप, अगर आप बड़ी जर्नी पे जा रहे हैं तो उसकी 10-12 साल की यात्रा वो ज़रूरी थी, वो एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी था, क्योंकि आप ऐसे ही एकदम से जाके उस पद पे बैठ करके ऐसे ही संस्था नहीं चला सकते हैं। और सभी का जिस तरीके से ब्लेसिंग्स मिली हैं, शायद वो मुझे, मैं जो ब्लेसिंग्स दे रही हूँ आप सबको, आप लोग भी ऐसे ब्लेसिंग्स दीजिए जिसको भी दे सकें। ये मैंने अंजना मैम से सीखा, गॉड ब्लेस यू। किसी को भी आप देखिए जिसको आप समझें, ज़रूर दीजिए, उसे आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आती हैं। दूसरी बात यह है लोगों का बिलीव, जैसे घर परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि आपके जीवन में ये आया है तो आप इसको सक्सेसफुली चला ले जाओगे, क्योंकि हार्ड वर्किंग है, नॉलेज है, इंटेलिजेंसी है, या जो भी है। तो कहीं ना कहीं पहले मुझे सेल्फ लव नहीं पता था, वो इसके कारण भी मिलने लगता है, आपको सेल्फ रेस्पेक्ट मिलने लगती है, जो आप बिलीव अपने विषय में बनाने लगते हैं वो सामने से आने लगता है सबके थ्रू। मैं जो लिखती हूँ वो चीज़ें एज इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाती हैं, चाहे वो शब्दों के रूप में होती हैं, चाहे घटनाओं के रूप में होती हैं, क्योंकि वो जो की है वो मैंने पकड़ ली है। अब मुझे पता है जीवन को किस दिशा में कैसे कहाँ ले जाना है। डीमोटिवेशन कभी आया भी तो मुझे पता है कि अपने ब्रेन को किस तरीके से शिफ्ट करना है। तो बी पॉजिटिव, आप सभी लोग भी ग्रैटिट्यूड जितना हो सके, शुक्राना का तो कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, इसको छोड़ना नहीं, मौन, अपने आप से मौन होकर बातें करना, अपनी अंतरात्मा को जानना, ये सबसे ज़रूरी है। सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ना, लिखना, रीडिंग राइटिंग, आपका जीवन बदल सकता है, आपके जीवन में 10x ग्रोथ ला सकता है, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आपके कर्माज, जब कर्माज का समय होता है, जैसा कहते हैं समय आ जाता है, तो आपके कर्म फलित होने लगते हैं। तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं, और बदलिए। और अभी मैं चूंकि वेबिनार नहीं ले पा रही हूँ, पर्सनल सेशन जरूर मैं ले सकती हूँ, आप मेरे फ़ोन नंबर इसमें जो शो होगा उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है मुझे पता है कि वो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुकी है और कैसे मेरे काम बन रहे हैं। तो अगर मुझे, जब आप मैसेज करेंगे उसके बाद टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी मैं विद्यालय या स्कूल में भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।